साला पूरा बाथरूम चिचिया रखा है। कौन है यार? कैसे चीचा लेदर मचा के आया है? टट्टी करने तक की तमीज नहीं है, चटनी जैसा पूरे टॉयलेट में फैला दिया। कौन है? अरे अरे काहे गुस्सा रहे भैया? तुम कह रहे गुस्सा रहे? गुस्सा नहीं रहे, दिमाग खराब हो गया। हर तरफ टट्टी टट्टी, साला पता चल जाए कौन करके आया, चलती ट्रेन से बाहर फेंक दे। अरे ज्यादा गंदा हो तो दूसरे वाले में हो जाके। अब हमको कहीं नहीं जाना, इतनी जोर का प्रेशर आया था, गंदगी देख के बाहर ही नहीं आ रहा, कैसे कटेगा इतना लंबा सफर। क्या है, है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो हमारे मुंह का ताक रहे हो तुम? कुछ नहीं, मजा आ रही तुमको देख के कि तुम्हारी टट्टी रुक गई। ऐसा है, ज्यादा मजा ना है, नहीं तो तुम्हारे मुंह में हाँक देंगे, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। चुप चुप, कैसी बातें कर रही हो, जिन आ रही है। अब कोई ऐसी बात ना करना, नहीं तो हमको उल्टी हो जाएगी। तुमको सुन के उल्टी आ रही है, तुम अगर देख लो जाके हफ्ते भर होश नहीं आएगा तुमको। तुम तो देख के आए हो, तुमको तो कुछ नहीं हुआ। चाचा तुम चुप हो जाओ, हमारे मूड तो खराब करने की जरूरत है नहीं। भगवान ऐसे लोगों को अपने पास क्यों नहीं बुलाता, धरती पे बोध है बोध। बेटा सही में बहुत गंदगी है क्या? कहीं तो रहे हैं, अब क्या उठा के लिए हैं, तब विश्वास मानोगे तुम? अरे नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। नहीं नहीं क्या कहो तो उठा के लिए हैं, कहे कि तुमको बहुत चुल्ल मची है। जब कह रहे हैं कि अगर कोई देख ले हफ्ते भर होश नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ और सीधा सीधा बता दो, कौन कौन गया था बाथरूम? हमसे क्या पूछ रहे हो, हम तो अपनी सीट से हिले तक नहीं है। तुम गेट के पास बैठे हो ना, तुम बताओ आखिरी बार कौन गया था बाथरूम? हम सो रहे थे, अभी अभी यहाँ खुली है हमारी। अरे भैया तुम अपनी सीट पे आके चुपचाप बैठ जाओ, ज्यादा बकैती करने की जरूरत नहीं है। मैं आज से कसम खाता हूँ, आज के बाद ट्रेन का सफर नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा तो फिर कहाँ से सफर करोगे तुम? हवाई जहाज से करेंगे, और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हवाई जहाज का सफर कर पाओ। अरे बेटा हमारी तो ट्रेन में सफर करने की औकात नहीं है, पहली बार तो ट्रेन का सफर कर रहे हैं हम। चाचा सही बताओ, तुम पहली बार ट्रेन का सफर कर रहे हो है? हाँ बेटा, वो जरा इमरजेंसी में दिल्ली जाना पड़ रहा, तो कोई साधन मिला नहीं, तो हमारे लड़कों ने रेलगाड़ी की टिकट बनवा दी, तो बस वहीं जा रहे हैं हम। ये ट्रेन दिल्ली नहीं जाती है। तो कहाँ जाती है? हमको तो दिल्ली जाना है बेटा। ट्रेन जा रही अलीगढ़ तक, दिल्ली वाली इसके बगल में थी, तुम गलत ट्रेन में बैठ गए चाचा। बेटा अब क्या करें हम? करोगे क्या, चलती ट्रेन से तो उतर नहीं जाओगे, चुपचाप बैठो, जब रुके तब उतर जाना। हे प्रभु कृपा करो, सुबह से वैसे भी सब धोती में निकल गया, अब इससे बड़ी आपत ये आ गई कि ये रेलगाड़ी दिल्ली तक नहीं जा रही, क्या होगा हमारा। बेटा आओ रोटी सब्जी खा लो आके। अबे यार चाचा एकदम ही मूर्ख आदमी हो, यहाँ हम फ्रेश तक नहीं हो पा रहे, तुम्हें खाने पीने की पड़ी है। भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हमने सोचा पूछ लो तो साला खबरिया रहा हमारे ऊपर। चाचा तुमको बहुत जल्दी भूख लगाई, क्या बात है। बेटा हम सुबह हल्के बहुत जल्दी हो लिए थे ना, तो भूख लगी है, कुछ खाने का मन हुआ तो खाना खा रहे हैं हम। तुम ही हल्के हो क्या हो ना, हमें लग रहा था कि तुमने ही टॉयलेट का सत्यानाश किया है, जब हम सो रहे थे तभी तुम तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। अरे नहीं नहीं हम तो स्टेशन से होके आए थे। पापा पापा हमको बहुत जोर की टॉयलेट आई है। हमारी खोपड़ी पे मत रहो साला, यहाँ हम इतना परेशान है, पेट में लुपुर लुपुर दुकुर दुकुर हो रही, टट्टी पेशाब सब बंद हुई पड़ी है, जल्दी से स्टेशन आए, सबसे पहले हम ही उतरेंगे। ये वाली बोरी किसकी है? हमारी है, बताओ क्या दिक्कत है। हम कह रहे थे कि हम इस पे बैठ जाए, कद्दू फट जाएंगे इस पे ना बैठना। अरे इसमें कद्दू है, इसमें 6-6 इंची की कीली है, तुम्हारे कद्दू फट जाएंगे महाराज, इस पे ना बैठो। अच्छा अच्छा तो हम आगे बढ़ जाते, आगे बैठ जाएंगे जाके। महाराज
राज, थोड़ा आराम से ट्रेन की सीट ना फाड़ देना तुम। आराम के चक्कर में पड़े तो ट्रेन की सीट फटे ना फटे, हमारा पेट जरूर फट जाएगा। बच्चा, कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे हम? दिल्ली नहीं जाती ये ट्रेन, कितनी बार बताएं तुमको? हे भगवान, ये बोलने वाली आदत बहुत खराब है, बुढ़ापे में कोई सीधे मुंह जवाब नहीं देता। बेटा, जब बुढ़े हो गए ना तब पता चलेगा तुमको। बाबूजी, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे, भगवान तुम्हारा भला करे। आओ आओ, तुम्हारी कमी थी। ए, तुम यहाँ से जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है। ए बुद्धे, हम तुमसे कुछ मांग भी कह रहे हैं, भाई साहब कुछ दे दो। साला पता नहीं सुबह किसका मुंह देख के उठे थे, पूरे दिन की लंका लग गई। मैडम जी, आप ही कुछ दे दो, भगवान तुम्हें अच्छा पति दे। ये क्या है, ये कोई भीख मांगने का तरीका है, है? अरे हम तो आपको आशीर्वाद दे रहे थे, तो आप ही सिखा दो कैसे भीख मांगते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, गाय खोपड़ी पे खम्बे जैसा खड़े हो, क्या चाहिए? साहब, हम गरीब आदमी, हमें क्या, तुम लोग 10-10 रुपया दे दो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। अब तुम हमें आशीर्वाद दोगे? हमारी उम्र देख रहे हो, तुम्हारे जैसे हजारों को आशीर्वाद देते हैं सुबह शाम। देना हो तो दे, नहीं तो हमारे पास पैसे कमी थोड़ी है, ये तो टाइम पास नहीं होता तो भीख मांग लेते हैं। तुम आगे बढ़ो, हम नहीं दे पाएंगे तुमको पैसे, चलो आगे। बड़े बदतमीज इंसान हो तुम, जेब से 10 रुपया नहीं निकाल सकते, क्या करोगे जीवन में? तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ देंगे हम। नहीं देना, ना दो, मुंह तोड़ देंगे। बड़े आए, ट्रेन का सफर तो बड़ा खतरनाक होता है, अभी इनको दो, फिर ताली बजाने वाले आ जाएंगे तो उनको दो, टिकट से ज्यादा तो ये खर्चे बढ़ जाते हैं। चाचा, तुमको बहुत याद आ रही ताली बजाने वालों की है? अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत दिन से देखा नहीं है ना, सोचा सफर में देख लेंगे, वैसे भी अभी तक आए तो है नहीं वो लोग। नहीं आए तो बुला लाओ जाके। चाचा शांत हो जाओ, बुढ़ापे में टपर टपर जुबान बहुत चलती रहती तुम्हारी। बदबू कहाँ से आ रही, कितने जोर बदबू आ रहा, हमारी तरफ क्या देख रहे हो है? अरे बस कर यार, यही आग मारोगे क्या भाई? अब बर्दाश्त के बाहर। अरे दादा, अबे यही जहर उगल दिया सर, अच्छी चीज। अरे यहाँ से भाग जाओ, पूरी सीट गंदी कर दी, कितनी बदबू आ रही।